हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज है 15 अगस्त। सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बच्चे भी गए हैं 15 अगस्त मनाने, पर मैं 15 अगस्त नहीं मना पाऊंगी क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी इलाज में साइकिल से कर रही थी पर उसको कोई आराम नहीं हुआ। और अब चल रही हूँ मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी क्योंकि वो आज़मगढ़ में है, तो वहाँ मैं उसको, आज़मगढ़ में एक डॉक्टर है उनको दिखाऊंगी। और मैं कौन सा हॉस्पिटल ले चलती हूँ अपनी बहन को दिखाने, आप मेरे संग इसी तरीके आगे तक बने रहिएगा आगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट हॉस्पिटल की तरफ। हम लोग यहाँ पर रवा हॉस्पिटल में आए इसको दिखाने, क्योंकि ये वहाँ पर दिखाए थे साइकिल में आराम नहीं हुआ था, तो अब आए हैं इसको रवा हॉस्पिटल में दिखाने। तो यहाँ डॉक्टर आए हैं, देखेंगे अब दवाई वगैरह हम लोग लेंगे। यहाँ पर पर्ची कटती है, यहाँ अनीता का बीपी टेस्ट हो रहा है ना, बीपी टेस्ट हो रहा है, बीपी टेस्ट हो रहा है। हम लोग हॉस्पिटल में आ गए और दवाई वगैरह ले लिए हैं। अनिता मेरे आज हम रमा हॉस्पिटल में इसको लेके आए हैं। हाँ, ये 818 की दवाई लेके आया हूँ। 818 रुपए की है दवाई, ये बाहर से लेनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, जाओ ठीक है, आप लेके आओ, मैं चेक करूँ। देखो, हाँ देखो, एक बार देख लो, ये देखिए दोस्तों 818 रुपये की दवाई है। कितने पैसे लगे, कम से कम ठीक तो हो जाए ये भगवान। वही है ना, हाँ वही है, वही है, ये भगवान आराम हो जाए इससे। चलो रखो, मैं लेके आऊं। चलो ठीक है, आप जाओ लेके आओ पहले। कुछ दवाइयाँ बाहर की लिखी है, जा रहे हैं। आओ चले आओ, ये लो पर्चा रखो। मिली दवाई? अरे दवाई मिली बड़ी मुश्किल से, महंगी दवाई दी, अच्छी दवाई मुश्किल से ही मिलती है। वो भी मऊ वाले रोड पे जाना पड़ा, मऊ वाले, ये लो। हाँ घर चल के समझाना पड़ेगा, चलो फिर घर निकलते हैं। अभी हम लेके आए थे रमा हॉस्पिटल, दवा वा ले चुके हैं। दवा ले चुके हैं, हाँ। घर से तो निकले थे हम लोग, हाँ। यहाँ पर हो गए हमें 4:30। साढ़े चार डॉक्टर भी जल्दी आ गए थे, डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं जीडी ग्लोबल हॉस्पिटल में। यही बैठे थे इंदु चौधरी का जब प्रोग्राम था। तो दोस्तों रात में काफी लेट आए थे और सुबह से काम कर रहे थे, अभी खाली हुआ हूँ, दोपहर के बज रहे हैं अभी 1:35, तो खाना खाने आया हूँ। तो इन्होंने कोई वीडियो बनाया था ब्लॉग, तो इन्होंने कहा एंड कर दीजिए, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो यही ज़िंदगी है, यही हमारी दिनचर्या है, समय ही नहीं मिल पाता है यूट्यूब के लिए, फिर भी आप लोगों के लिए छोटी छोटी अपडेट देते रहते हैं, आप लोगों से मिलते रहते हैं, और समय मिलता है तो आप लोगों की वीडियो भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी खाना खाने जा रहे हैं तो वीडियो भी देखेंगे, तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं और
थैंक यू, नमस्ते नमस्ते बस कल इंटरव्यू से कर रही हूं।